सो गाइज़, अभी टाइम हो रहा है 9:27 और आज 17th of Feb और अभी मैंने अपना फर्स्ट स्टडी सेशन कंप्लीट किया है. एंड यू गाइज़ नो कि मैंने पीसीबी पॉइंट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया है, तो उसमें मुझे आज का टारगेट जो भी मिला था उसमें मैंने फर्स्ट स्टडी सेशन में एनसीईआरटी की रीडिंग कंप्लीट की है, नोट्स से चैप्टर रिवाइज करा है, ये मेरे नोट्स है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के, तो अभी मैंने इतना कंप्लीट किया है. और ये रहा आज का मेरा टू डू लिस्ट जो मेरी मेंटर ने मुझे सुबह सुबह प्रोवाइड किया था. डुअल नेचर कंप्लीट करना था, ऑर्गेनिक में एमाइन एंड सेल यूनिट ऑफ लाइफ एंड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे. गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ. सो आज बहुत लेट मैंने शूट स्टार्ट किया, अभी 9:30 हो रहे हैं. सो अभी मैंने बस ऐसे रैंडमली सोचा कि चलो ठीक है कुछ तो शूट कर लूँगी, बिकॉज एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा है ना, शूट वूट करने का ध्यान ही नहीं रहता. मैं तो रैंडम ऐसे वीडियोज़ बना लेती हूँ कि ठीक है कभी कभी एटलीस्ट ब्लॉग चले जाए. सो अभी मैंने फर्स्ट स्टडी सेशन कंप्लीट कर लिया है, अब थोड़ी देर से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी. अभी थोड़ा सा ब्रेक लूंगी छोटू सा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट नहीं अभी, बाय बाय. ब्रेकफास्ट करती हूँ और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो. तो आफ्टर ब्रेक अब मैं सॉल्व करूंगी बायोलॉजी के एमसीक्यूज. तो ये है अरिहंत की मास्टर स्ट्रोक बुक जिसमें आपको 2000 प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे. सो अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगी एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, उसके बाद 2 स्टेटमेंट टाइप, 5 स्टेटमेंट टाइप एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट टाइप क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, आप लोग को तो पता है कि नीट में लास्ट 2 to 3 ईयर्स से सबसे ज़्यादा एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं और हमारी रैंक भी यही क्वेश्चन डिसाइड करते हैं. इस बुक में सबसे अच्छी चीज़ है कि ये फुल्ली NTA के सिलेबस पे बेस्ड है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का कॉम्बिनेशन एक ही बुक में है एंड आपको हिंट के साथ स्पेशल टिप्स दी गई हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. एंड द ओनली बुक अवेलेबल इन द मार्केट जिसमें आपको स्पेशल फॉर्मेट टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, स्ट्रैटजीज दी गई हैं टू सॉल्व द स्पेशल फॉर्मेट टाइप क्वेश्चंस, एंड केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आपको स्पीशीज सिलेक्शन टाइप क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए गए हैं. सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये बुक परचेज करनी है एंड आपको अपनी रैंक को बूस्ट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. तो गाइज फाइनली अभी मैंने शावर ले लिया है और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए लंच बनाने. तो आज मैं लंच में बनाऊंगी पनीर की भुर्जी, मतलब बहुत दिन बाद बना रही हूँ. तो अभी जल्दी से चलते हैं किचन में, वेजीज कट करते हैं और अभी 11 बज रहे हैं, जल्दी सारा काम कंप्लीट करके 12 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. सो अभी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ मैगी मसाला जो मुझे बहुत पसंद है. मैं ऐसे कच्चा भी मैगी मसाला खा लेती हूँ, मुझे इतना पसंद है. और मम्मा बना रही है खिचड़ी बिकॉज सबका डाइजेस्टिव सिस्टम हो रखा है ख़राब मेरे घर में और मेरा भी. और अभी मैं खाऊंगी पनीर और उसके साथ साथ खिचड़ी. सो अभी खाते हैं फिर स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं. हेलो फ्यूचर डॉक्टर. तो अभी टाइम हो रहा है 12:10. तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी एमाइंस और ये पूरा 2 आवर्स का लेक्चर है. सो लेट्स स्टार्ट. अभी अपने ईयरबड्स निकाल लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं. जो बॉडी है ना वो ग्लॉस बॉडी है तो इतना गंदा होता है, मतलब थोड़ा सा भी अगर आप गंदे हाथ से टच करोगे तो गंदा हो जाएगा. सो इसको मैं दिन भर साफ करती रहती हूँ, मुझे इतना क्यूट लगता है. सॉरी मुझे लगा गया मिट्टी के बच गया, क्यूट लगता है. सो फ्रेंड्स, अब तो बहुत कम टाइम रह गया हमारे पास, 2.5 मंथ्स. तो बहुत ज़्यादा आई नो सबको स्ट्रेस हो रहा होगा, एंजाइटी भी हो रही होगी. एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक चीज़ बताती हूँ. अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, लाइब्रेरी में मैं थी एंड एक नीट की स्टूडेंट थी और उसको बहुत गंदा पैनिक अटैक आया, मतलब बहुत ज़्यादा वो टेंशन लेती थी. सो फ्रेंड्स, आप लोग भी ना मतलब थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करो, बिकॉज टेंशन तो होती है यार, उससे हम नहीं कम कर सकते, बट हम अपने आप को तो हेल्दी रख सकते हैं. मुझे भी टाइफाइड हो रखा है तो मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि यार मैं उल्टी सीधी चीज़ें ना खाऊँ एंड थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल रखूँ, बिकॉज अगर हेल्थ एक बार ख़राब हुई ना तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो आप लोग अपना ध्यान रखो और अब तो नीट का फॉर्म भी आ गया है, बहुत लोगों ने फिल भी कर दिया, मैं भी फिल करूँगी. 24 को मैंने सोचा है कि मैं कैफ़े में जाके फिल करूँगी, बिकॉज़ लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब मैं
घर में फिल करी थी ना, बहुत सारी साइज़ वगैरह का इशू आया था, फ़ोटो साइज़ एंड थंब प्रिंट सिग्नेचर। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं कैफ़े में ही जा कर फिलअप करूँगी। सो फ्रेंड्स, सबको ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम देते रहो, टेस्ट दे एग्ज़ाम मतलब वही टेस्ट देते रहो और अच्छे अच्छे स्कोर करते रहो। एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अंदर से हेल्दी रहोगे ना, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे, आपका डे बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। बट आप अगर अंदर से अच्छा फील नहीं करोगे ना, तो फिर बिल्कुल भी पढ़ने मन नहीं लगेगा आपका। फाइनली मैंने एमाइंस वाला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। मुझे 2 आवर्स से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, बिकॉज नोट्स भी बना रही थी मैं साथ साथ एंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही थी। बट पंकज सर बहुत अच्छा पढ़ाते, लाइक मुझे हर एक चीज़ समझ में आ गई है। हाँ, इतना बेसिक तो नहीं पढ़ाएंगे आपको कोई भी टीचर वन शॉट में, बट हाँ इतना पढ़ा दिया है सर ने कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे मेरे से। और अभी मैं 36 ईयर PYQ सॉल्व कर रही हूँ ओसवाल वाली बुक से। तो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि ये बुक आप ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है PYQ सॉल्व करने के लिए। एंड लिंक मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, अगर आप लोग को ये बुक परचेज करनी हो तो आप वहाँ से परचेज कर लेना। एंड उसके बाद शाम को मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, लाइक बहुत टेंशन हो रही थी, पता नहीं किस बात कैसे मैं ओवर थिंक कर रही थी बैठे बैठे। तो मैंने और दीदी ने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा मंदिर चलते हैं। एंड फिर मैं मंदिर गई, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। मैं आप लोग को हमेशा ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा हो ना, एक भी अच्छा फील नहीं हो रहा, तो आप मंदिर चले जाओ या गुरुद्वारा चले जाओ, आप जो भी गॉड पे बिलीव करते हो आप वहाँ चले जाओ एंड 10-15 मिनट बैठो। घर पे ही अगर आपके मंदिर है ना, तो आप वहाँ भी बैठ सकते हो, बट मेरे घर पे क्या है कि थोड़ा शांति कम है, तो मैं इसलिए मंदिर बाहर गई थी। बट यार वहाँ तो अलग ही रहता है, म्यूज़िक चलता रहता है, अच्छा पीस वाला एरिया रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड ये तो मेरे घर के पास ही है, तो मैं हफ्ते में 2-3 बार तो चली ही जाती हूँ। फिर मैं घर आके फिजिक्स से स्टार्ट कर दी थी, अभी मैं डुअल नेचर कर रही हूँ, बिकॉज आज मुझे वाला चैप्टर भी कंप्लीट करना है। एंड ये 4 आवर का लेक्चर है, तो वो कंप्लीट करके मुझे पूरे PYQ सॉल्व करने हैं एंड 50+ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसीलिए अभी मैं इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको अपडेट दूंगी। फिर गाइज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बिकॉज मुझे जल्दी जल्दी से कंप्लीट करना था एंड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे, टारगेट अपडेट करना था। एंड आप लोग देख सकते हो अभी रात के 11:30 हो रहे हैं और अभी मैंने टारगेट सेंड किया एंड मैम का मैसेज भी आ चुका, वेयर इज़ योर टारगेट। सो अभी मैं जस्ट इसका सबमिट कर रही हूँ 17 फ़रवरी का, जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, कितने घंटे मैंने पढ़ाई की, आज मैंने लगभग 9 घंटे पढ़ाई की है। एंड जो भी मेरा रफ वर्क था सब कुछ मैंने अपडेट किया है एंड दैट्स इट। सो गाइज, इफ़ यू आर न्यू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल बटन सो दैट आपको ब्लॉग जल्दी जल्दी मिल जाए, और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।